हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल. दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस. विद दिस लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर, जहां पर हम कवर करेंगे 2 मार्च से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. और ये लिस्ट आपके सामने है जिसके बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल. मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ, एक आइडिया दे देती हूँ कि इस लेक्चर में क्या कुछ रहने वाला है, सो दैट यू स्टे कनेक्टेड होल थ्रू आउट द सेशन. राइट, फाउंडेशन डे ऑफ ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी. सो अगर ये है तो फिर हमें इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में कि कब ये एस्टैब्लिश हुई, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस क्या हैं. राइट, सो अभी क्या हुआ था, 22nd फाउंडेशन डे ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वॉज सेलिब्रेटेड. ये जो टॉपिक है ना, ये वैसे यहाँ पर पहले नंबर पे लिखा हुआ है, बट आई विल बी टेकिंग बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर इफ टाइम परमिट्स, क्योंकि बहुत आर्टिकल्स हैं. तो अगर टाइम मिला तो हम इस पर बात करेंगे, नहीं तो आई विल बी टेकिंग इट ऑन मंडे. तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है. अगला है ज्यूस जैकिंग. ये आपके जीएस पेपर 3 से लिंक करता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. क्या है, जब पढ़ेंगे तो बताऊंगी. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जीएस पेपर 2 पेपर 3 से कनेक्ट करता है. कैसा अलायंस है, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंडिंग है. और जब हम इस पे आएंगे ना, तो साथ ही साथ हम ये जो इंडियन लेपर्ड है ना, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है. तो इसके कॉन्टेक्स्ट के साथ हम इंडियन लेपर्ड के बारे में पढ़ लेंगे. देन यू हैव यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. लोकपाल के बारे में जीएस पेपर 2 से लिंक होता है. इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे. तो अब जब ये आर्टिकल न्यूज के अंदर है, मेंस के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. तो यहां पर मैं बात करूंगी आपके साथ. देखो, 1 मार्च को ना, यानी कि कल, इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे था. क्या क्या चैलेंजेस वेस्ट पिकर्स फेस करते हैं, क्या सॉल्यूशन है, क्या कंसर्न्स हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और क्या वे फॉरवर्ड लिया जा सकता है, और ओवरऑल बी कंक्लूडेड. तो ये लेक्चर, ये इस आर्टिकल आपका पेपर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ज्यादा. देन यू हैव दिस एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण. तो ये जो एक्सरसाइज है, ये कहाँ कंडक्ट करी गई, किन के बीच में होती है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे. ये लेक्चर रहेगा आज. तो उम्मीद करती हूँ कि एक आइडिया आपको लग गया है. कोई डाउट होता है, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. राइट, आई डू रीड योर कॉमेंट्स. सेशन अच्छा लगता है तो इनको शेयर भी कर दो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट एवरीबडी नो अबाउट दीज लेक्चर्स. राइट, वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दे दिया करो, और अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्क कर दिया करो बाय लाइकिंग द लेक्चर. चलिए शुरू करते हैं. देयर यू गो विद द फर्स्ट आर्टिकल. हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉशनरी मैसेज इशू किया है मोबाइल फोन यूजर्स को अबाउट ज्यूस जैकिंग. मैं सिंपल बताती हूँ आपको. देखो, कभी जैसे बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट पे हैं हम, हमारा फ़ोन चार्ज नहीं है, हम जो USB पोर्ट वहाँ होता है वहाँ चार्ज कर लेते हैं ना फ़ोन. तो बस वो यही बोल रहा है कि ज्यूस जैकिंग क्या है, एक स्नीकी साइबर अटैक है दैट हैपन्स थ्रू दोज पब्लिक USB चार्जिंग पोर्ट्स. अब क्योंकि एयरपोर्ट का एग्जांपल दे, इसका मतलब ये नहीं एयरपोर्ट पे ही होता है ऐसे, मतलब इट्स लाइक कि ज्यूस जैकिंग, ये जो टर्म है ना, 2011 में बाय ब्रायन क्रब्स ये टर्म कॉइन करी गई थी. ये एक तरीके का साइबर अटैक है जहां पर एक पब्लिक USB चार्जिंग पोर्ट के साथ आप टेम्पर कर देते हो उसको, और फिर वो आपने चार्जिंग पे लगाया, इट विल स्टील योर डेटा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन. सो आपकी डिवाइसेस पे वो कोई मॉलवेयर जो है वो इंस्टॉल कर देगा. राइट, तो ये दिक्कत आ जाती है विच मेक्स देम अनसेफ फॉर योर फोन. सो व्हेन यू प्लग योर फोन ना इनटू दोज पोर्ट्स, वो तो ऑब्वियसली टेम्पर्ड पोर्ट्स है, तो हैकर्स कैन स्नीक इनटू योर डिवाइस. आपका पासवर्ड चला जाएगा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गए, इंपॉर्टेंट स्टफ जो आपने स्टोर कर रखा हो ऑन योर फोन. तो ये है ज्यूस जैकिंग. तो RBI ने अभी लोगों को रिमाइंड किया है कि भैया केयरफुल रहो, प्रोटेक्ट करो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को व्हेन यू आर चार्जिंग योर फोन इन पब्लिक स्पेसेस. और वैसे तो ऑलवेज ट्राई टू यूज योर ओन चार्जर, और साथ ही साथ अगर हो सके तो यू कैरी योर पोर्टेबल पावर बैंक, ताकि आप इसके विक्टिम ही नहीं बनो. तो हाउ यू कैन प्रिवेंट सच अटैक्स,
मैंने पूरा आर्टिकल ही शेयर कर दिया आपके साथ, लाइंस रीड तो आप कर ही सकते हो। ज्यूस जैकिंग टर्म ना 2011 में ये लाई गई थी बाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ब्रायन कर्ब। ये एक तरीके का साइबर अटैक है जहां पर एक पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट को टेम्पर कर दिया जाता है और उसके बाद जो अटैक है उसके चलते हैकर आपके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, एड्रेस, सेंसिटिव डेटा जो है, जो भी आपके डिवाइस पे स्टोर्ड है वो उसको एक्सेस कर सकता है, उसको लेगा। सो दिस टाइप ऑफ अटैक हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न एंड आरबीआई एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग पर्सनल एंड फाइनेंशियल डेटा वाइल यूजिंग द मोबाइल डिवाइसेस। तो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे अटैक्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, अपने पर्सनल चार्जर्स यूज करो और अवॉइड करो कि कोई भी पब्लिक यूएसबी पोर्ट आप यूज नहीं करें, और यूज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और मेक श्योर कि आपके डिवाइसेस लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ इंस्टॉल्ड हो ताकि रिस्क जो साइबर अटैक का है वो और ज्यादा कम हो। अगला जो आर्टिकल है वो है कि यूनियन कैबिनेट ने दे हैव फाइनली दे फॉर्मली अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विद वन टाइम बजेटरी सपोर्ट ऑफ ₹150 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट अंटिल 2028। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया, इसको आप बोल सकते हो कि इंडिया स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव बैक इन 2023। तो ये जो बिग कैट अलायंस है, एक टीम है, एक अलायंस है, डिफरेंट कंट्रीज का है। इसमें पर्पस ये है कि आपको बिग कैट्स होती है ना, लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, प्यूमा, इनको प्रोटेक्ट करने की बात करी जा रही है। आपकी इकोसिस्टम के लिए स्पीशीज इंपॉर्टेंट है एंड दे आर फाउंड इन वेरियस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 2023 में इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था जब हमारी प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी थी। तो इसी के चलते ये जो अलायंस है ना, इसके अंदर इट ब्रिंग्स टुगेदर 97 कंट्रीज जहां पर ये बिग कैट्स पाई जाती हैं। एंड जो भी, अगर कोई भी अदर नेशन जो इंटरेस्टेड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर कंजर्वेशन के अंदर, वो दे कैन ज्वाइन, दे कैन बी द मेंबर। सो ये इनिशिएटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, 2023 में लॉन्च किया, मायसूरू के अंदर लॉन्च किया एंड वाइल कमेमोरेटिंग 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, इट इज टू इंश्योर कॉपरेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ दीज 7 बिग कैट्स। वो मैंने आपको बता दी हैं, जिसमें से 5 ऑफ दीज कैट्स अपार्ट फ्रॉम जैगवार एंड प्यूमा, बाकी सारी दे आर फाउंड इन इंडिया। 97 रेंज कंट्रीज बेसिकली अभी हैं इसके अंदर एंड इंटरेस्टेड नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दे ऑल कैन ज्वाइन। म्यूचुअल कॉपरेशन कंट्रीज के बीच में इसका मकसद है ताकि ऑब्वियसली एजेंडा तो कंजर्वेशन का है ना, अप्रोच एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है जिसमें, अच्छा आप, हम ऐसे कर सकते हैं कंजर्वेशन के लिए, सामने वाली पार्टी कहेगी ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं इस एरिया में ऐसे, यू कैन हैव दैट नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, नेटवर्किंग, एडवोकेसी, फाइनेंस एंड रिसोर्स सपोर्ट चाहिए रहेगा, रिसर्च एंड टेक्निकल सपोर्ट चाहिए रहेगा। तो देश आपस में, कंट्रीज जो है वो कर सकती हैं एडुकेशन, आई एम सॉरी, एडुकेशन और अवेयरनेस जो है वो भी और होगी। तो अब इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके अंदर एक जनरल असेंबली होती है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल दी मेंबर कंट्रीज, जैसे मानो 97 है तो 97 काउंसिल होगी विद एटलीस्ट 7 बट नॉट मोर देन 15 मेंबर कंट्रीज, और उनको इलेक्ट किया जाएगा बाय जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 5 साल, 5 ईयर्स के लिए। सो अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, जनरल असेंबली, पहले तो जनरल असेंबली इलेक्ट करेगी काउंसिल के मेंबर्स को, काउंसिल के रिकमेंडेशन पे जनरल असेंबली अपॉइंट करेगी आईबीसीए सेक्रेटरी जनरल को फॉर अ स्पेसिफिक टर्म। फंडिंग की बात करूं तो अभी तो न्यूज में इसीलिए क्योंकि इंडिया ने इनिशियल सपोर्ट दिया है ऑफ ₹150 करोड़ अगले 5 साल के लिए, 2023-24 से 2027-28। रही बात इंडिया के लेपर्ड की, तो इंडिया के लेपर्ड का नाम बोला जाता है पेंथेरा पैडस फिस्का। तो ये है इंडिया के लेपर्ड का नाम। बोला जाता है कि इसकी पॉपुलेशन अभी 13,874 के आसपास है, ये रेंज है। एंड स्टेबल पॉपुलेशन जो अगर मैं बात करूं, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग स्टेबल पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू सिमिलर एरिया बीइंग सैंपल्ड इन 2018। तो उस टाइम पे 12,000 के आसपास पॉपुलेशन थी। पर एनम जो ग्रोथ है दैट इज 1.08%।
ये कह रहे हैं जो ये लेपर्ड हैबिटेट की जब मैं बात कर रही हूँ तो इट रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन ऑफ 70% ऑफ द लेपर्ड हैबिटेट। जो ये मैं नंबर आपको बता रही हूँ दिया एस्टिमेट, वो 70% लेपर्ड हैबिटेट की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसके अंदर हमने हिमालयाज और सेमी एरिड पार्ट जो कंट्री के हैं दे आर नॉट सैम्पल्ड, क्योंकि वहां पर ज्यादा टाइगर्स पाए नहीं जाते हैं। शिवालिक हिल्स और गैंगटेक प्लेन्स में जो डिक्लाइन हुआ है माइनस मतलब 3.4% का, और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर देखने को मिली है तो एक तो अपना सेंट्रल इंडिया हो गया और एक अपना ईस्टर्न घाट्स हो गए, ऑफ 1.5% की ग्रोथ रेट यहां आपको देखने को मिली है। तो जब सेंट्रल इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसमें सेंट्रल बिल्कुल मध्य में, मध्यम मार्ग, मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु। या ऐसी टाइगर रिजर्व्स के नाम बताओ जहां पर हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन है, तो वो है नागार्जुन सागर, श्रीसैलम आंध्र प्रदेश के अंदर, उसके बाद पन्ना मध्य प्रदेश में, और फिर सतपुरा मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है जी। अगला जो आर्टिकल है वो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लेके। 55th ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन हुई और इंडिया ने अपना राइट टू रिप्लाई एक्सरसाइज किया यहाँ पर टर्की और पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देने में, क्योंकि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का वहां मेंशन किया ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जिसमें देखो नाम ही से ही पता चल रहा है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो आप ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, उनको प्रमोट करने की अराउंड द वर्ल्ड ये बात करते हो, यही मिशन है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यही पर्पस है। इट फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो इट वॉज क्रिएटेड टू रिप्लेस एक ओल्डर ग्रुप दैट इज कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो 15 मार्च 2006 को जनरल असेंबली ने इसे क्रिएट किया और कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स से रिप्लेस किया। इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे कितने मेंबर्स हैं। 47 मेंबर्स हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर स्टेगर्ड 3 ईयर टर्म्स ऑन रीजनल ग्रुप बेसिस। तो 47 मेंबर्स हैं इसके अंदर, दे कम फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। एक बार मान लो उन्होंने दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वंस दे हैव सर्व लगातार, सो दे कांट बी इमीडिएटली री इलेक्टेड देन। तो ये टेन्योर ऑफ द साइकिल आपको ध्यान में रखना है कि मेंबर ऑफ द काउंसिल दे सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग। अगर आपने दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म सर्व किया है तो इमीडिएट आगे री इलेक्शन के लिए यू आर नॉट एलिजिबल देन, ठीक है जी। तो जो मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस थ्रू डायरेक्ट एंड सीक्रेट बैलेट। जनरल असेंबली कंसीडर्स वेरियस फैक्टर्स व्हेन सिलेक्टिंग द कंट्रीज टू ज्वाइन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। दे लुक एट कि अच्छा हाउ मच ईच कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। फिर वो देखते हैं एनी प्लेज या कोई भी कमिटमेंट जो कंट्री ने करी हो इस पर्टिकुलर एरिया में। सो काउंसिल की मेंबरशिप का मकसद क्या है? द काउंसिल मेंबरशिप एम्स टू बी फेयर बैलेंस्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब कंट्रीज जो है फ्रॉम ऑल द रीजन दे विल हैव द चांस टू पार्टिसिपेट इन इट, ठीक है। तो इट टेक्स इंटू अकाउंट कैंडिडेट स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, देयर वॉलंटरी प्लेजेस, एंड इट इज बेस्ड ऑन इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शन क्या है इसका? इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इट प्लेज। वन ऑफ द मेन जॉब इज टू लुक इन टू द एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन। अगर किसी भी कंट्री में ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रही है तो दे लुक इन टू, फोकस करते हैं ऑन ब्रॉडर ह्यूमन राइट इश्यूज दैट अफेक्ट पीपल एवरीवेयर, जिसके अंदर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ वुमेन, राइट ऑफ LGBTQ इंडिविजुअल्स, राइट ऑफ रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज। सो इट फोकस ऑन अ ब्रॉडर स्केल। सो काउंसिल डिस्कसेस दीज इशूज, दे ट्राई टू फाइंड आउट सोल्यूशन, दे मेक रिकमेंडेशन टू द कंट्रीज एंड द UN itself कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड। तो ये इसका पर्पस है। अगला यह है कि सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजय मानिका राव खानविलकर जी को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। सो
ये जब मैं बात करती हूँ ना लोकपाल, लोकपाल अपने आप में एक बॉडी है, या तो आप उसको ऐसे भी रेफर कर सकते हो लोकपाल, और अगर कोई चेयरपर्सन होते हैं लोकपाल के तो भी उन्हें से लोकपाल बोल दिया जाता है. तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस टर्म कि लोकपाल और लोकपाल के चेयरमैन अलग होते हैं, ये लोकपाल है वो अगले. लोकपाल तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, तो इंटरचेंज हो जाता है वो. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के चलते प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल यूनियन के लिए और लोकायुक्त स्टेट के लिए. जीएस पेपर टू प्रिलिम्स, तो अपना वो क्या बोलते हैं, लक्ष्मीकांत खोलनी है और इसके बारे में पढ़ना है, राइट? हमने कल ही नेशनल कमीशन के बारे में पढ़ा था ऑन बैकवर्ड क्लासेस. तो जब भी ऐसी चीजें आती है मैं आपको साथ साथ लक्ष्मीकांत को बोलती हूँ करने के लिए, मेक श्योर आप करते जाओ. अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कवर करते जा रहे हैं, अगर आप साथ साथ कवर. अच्छा, फिर होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल कहां से बनेगा? सवाल वहां से बनेगा जो न्यूज से है. आप करंट को स्टैटिक के साथ लिंक करते जाओ बस, ठीक है जी? तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 से लोकपाल की एस्टैब्लिशमेंट हुई. तो ये इंस्टीट्यूशन स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ. करते क्या है, अगर किसी भी पब्लिक फंक्शनरी के अंदर कोई भी करप्शन का एलिगेशन लगा तो वो इंक्वायरी बिठाना इसका काम है. तो इट फंक्शंस एज एन ऑम्बड्समैन, वो होता है ना, निगरानी रखना, देखना, फिर उसके बाद मतलब कोई भी करप्शन नहीं हो सो इट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज. सो लोकपाल और ये लोकायुक्त टर्म जो है ना, इट वॉज कॉइंड बाय डॉक्टर एल.एम. सिंघवी. एक मल्टी मेंबर बॉडी है, एक चेयरपर्सन होते हैं, 8 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम, और जो चेयरमैन होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनका 5 साल का टर्म ऑफ ऑफिस होता है, या फिर इफ दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए. मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो करती हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटमेंट. तो जो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन पे करती हैं ऑन दिस सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स को अपॉइंट करती हैं, तो ये जो सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे हो रहा है, तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन में है वो होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और अ जज नॉमिनेटेड बाय हिम और हर एंड वन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे. ये दिन वो दिन होता है जहां पर एक रिमाइंडर दिया जाता है, और वो भी एक डिस्ट्रेसिंग रिमाइंडर होता है कि लोगों को बताएं कि इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स वर्ल्ड वाइड क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. मतलब ये वर्कर्स जो है मार्जिनलाइजेशन फेस करते हैं, हेल्थ हैजार्ड फेस करते हैं, और लीगल प्रोटेक्शन फिर भी उस फ्रेमवर्क से दे आर एक्सक्लूडेड, राइट? सो देयर इंडिस्पेंसिबल रोल, और वो भी एक होता है कि इतना जरूरी काम कर रहे हैं लेकिन दैट इज इनविजिबल इन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उसको बहुत ज्यादा जरूरी है. दे आर ओफन ओवरलुक्ड, राइट? वर्ल्ड ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट पिकर, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड देम, वी नीड टू मेक श्योर कि मतलब होता है ना कि कोई आपके लिए काम कर रहा है, कभी कभी हम देख नहीं पाते उस चीज को. इनफॉर्मल वेस्ट पिकर वो लोग होते हैं जो आपका रिसाइकलेबल मटेरियल्स होते हैं, आपका प्लास्टिक, पेपर, मेटल, गार्बेज डंप से वो लेते हैं, स्ट्रीट से लेते हैं, और जब व्हेन यू डिस्कार्ड योर वेस्ट, राइट? तो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन मैनेजिंग द वेस्ट बाय कलेक्टिंग दोज रिसाइकलिंग मटेरियल्स, राइट? जो आपने यू एंड अप इन लैंडफिल्स, राइट? ताकि पॉल्यूशन कम हो और यू कंजर्व योर रिसोर्सेस. इतना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर भी ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मार्जिनलाइज हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लीगल प्रोटेक्शन. इसका मतलब दे डोंट हैव एक्सेस टू लाइक बेसिक राइट्स लाइक हेल्थ केयर, फेयर वेज तक नहीं मिलता है. वर्किंग इन गार्बेज डम्स एंड लैंडफिल्स एक्सपोजेस देम टू हेल्थ हैजार्ड्स. बट वही है ना कि करे की कोई वैल्यू नहीं हो रही है. इंडिया के अंदर ये सिचुएशन पर्टिकुलरली चैलेंजिंग है फॉर वेस्ट पिकर्स. देयर वर्क इज असेंशियल फॉर मैनेजिंग वेस्ट, नो डाउट एट इट, बट दे ऑफन वर्क इन डिफरेंट कंडीशंस एंड दे गेट वेरी लिटिल रिकॉग्निशन और सपोर्ट. तो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स? सिस्टमिक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी तो है ही, बट पहले हम बात करते हैं मार्जिनलाइजेशन के बारे में. ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपने आंसर्स में, सिस्टमिक मार्जिनलाइजेशन. बच्चे
विमेंस, एल्डर इंडिविजुअल्स, वो ना दे फेस एक्सट्रीम मार्जिनलाइजेशन. इंडिया के अंदर अराउंड 1.5 मिलियन वेस्ट पिकर्स हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा विमेन हैं जो अर्बन एरियाज में ऑपरेट कर रही हैं. कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है उनके पास. लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट एवरी डे वो कलेक्ट कर रही हैं. दे उनका जो लो सोशल स्टेटस, जिसकी वजह से वो कास्ट हायरार्की के अंदर स्पेशली जब हम बात करते हैं ना, तो उनका सिचुएशन और ज्यादा वर्सन हो रहा है. एंड इट्स लीडिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल्सो, इंजरीज ऑल्सो. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बिल्कुल बनी रहती है. इरेग्युलर वर्क है, लो इनकम है, एंड गरीबी से बाहर कैसे आए फिर वो. प्राइवेट कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट इन द वेस्ट मैनेजमेंट की जब मैं बात करती हूँ, तो वहां पर भी इट पुशेस देम इन टू मोर हैजार्डस एक्टिविटीज लाइक स्क्वेंजिंग इन डंप साइट्स, राइट. सो अपनी इनकम के लिए तो कंपीट करना है ना, वो बात आ जाती है. फिर उसके बाद लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब इतना बीइंग एसेंशियल टू वेस्ट मैनेजमेंट, स्टिल दे आर इग्नोर्ड इन वेरियस फ्रेमवर्क्स. दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस. दे लैक रिप्रेजेंटेशन इन डिस्कशंस अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज. दे डोंट हैव लीगल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी, अ वॉइस इन शेपिंग द सिस्टम दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू. तो ये बात है. प्राइवेट कंपनीज आर एंटरिंग म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट. दे ऑफन यूज एडवांस टेक्नोलॉजीज, बट दे ऑल्सो लिमिट एक्सेस टू डंप साइट फॉर इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स, राइट. तो यहां पर देखो, जब मैं बात करती हूँ एक्सक्लूजन ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स की, तो प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर होती है. इट कैन एक्सक्लूड इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स, बट सोल्यूशन कैन बी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यही कंसर्न है, दे आर नेग्लेक्टिंग द इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स, राइट. बट जब मैं बात करती हूँ ईपीआर की, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इट कैन बी अ प्रॉमिसिंग वे फॉरवर्ड. जहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब आपने कोई प्रोड्यूस किया है, तो प्रोड्यूसर्स विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग दैट वेस्ट ऑल्सो. इट विल हेल्प द इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स इन द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, राइट. सो दैट इज द थिंग. इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज तो ऑब्वियसली फिर देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हिसाब से इट रिक्वायर्स द इंक्लूजन ऑफ वेस्ट पिकर्स इन म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. मतलब यू आर रिकॉग्नाइजिंग देयर रोल, यू आर इन्वॉल्विंग देम इन मैनेजिंग वेस्ट. लेकिन ईपीआर गाइडलाइंस 2022, इट डोंट प्रायोरिटाइज द पार्टिसिपेशन ऑफ वेस्ट पिकर्स. दे फोकस ऑन मेकिंग प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग वेस्ट दे प्रोड्यूस. सो यहाँ कुछ चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज की बात आ जाती है. ये कॉन्फ्लिक्ट फिर चैलेंजेस क्रिएट करता है फॉर इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स. एक तरफ एक लॉ दैट रिकॉग्नाइजेज देयर इंपॉर्टेंस इन वेस्ट मैनेजमेंट, एक तरफ ईपीआर गाइडलाइंस, दे डोंट एम्फसाइज देयर इन्वॉल्वमेंट, राइट. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज टू बी इंटीग्रेटेड. दैट इज द होल सोल पर्पस ऑफ इट. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. आज का लास्ट आर्टिकल देखते हैं. एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण किक ऑफ ऑन 28th of February, और ये कंटिन्यू करेगी आज तक ही, ये चलेगी 2nd of March. और ये कहाँ हो रही है? विशाखापट्टनम के अंदर. एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है. इंडियन नेवी एक तरफ है और एक मलेशियन नेवी है, ध्यान में रखिएगा. नेवल एक्सरसाइज है, समुद्र से ही पता चल रहा है. एक तरफ इंडिया की नेवी है, एक तरफ मलेशियन नेवी है. थर्ड एडिशन है इस एक्सरसाइज का. इंडियन नेवल शिप तो किल्तन और रॉयल मलेशियन स्किप केडी लेकर आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज. और यहाँ पर ऑब्वियसली दोनों जो कंट्रीज हैं आपस में प्रोफेशनल इंटरेक्शन करेंगी. म्यूचुअल इंटरेस्ट जो टॉपिक उनका होगा उस पर सब्जेक्ट मैटर एक्सचेंज वो करेंगे. स्पोर्ट्स फिक्स्चर्स और ओवरऑल ऐसी इंटरेक्शंस का पर्पस नॉलेज बेस को एनहांस करना, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना, फर्दर कॉपरेशन हो ऑन मैरिटाइम एस्पेक्ट्स. तो दोनों देशों के बीच में बॉन्ड्स और ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं और इंटर ऑपरेबिलिटी भी और ज्यादा एनहांस होती है. ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको सेशन क्लियर हो गया हो. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. विल मीट यू ऑन मंडे विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thank you.